नहीं, हम और मम्मी जा रहे हैं छठ पूजा में, कॉलोनी में ही छठ पूजा है। हाँ, देखने जा रहे हैं पूजा। हाँ, तो हम लोग देखने जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे छठ पूजा कैसे होती है यहाँ पर। ये छठी मैया हैं जो इस तरीके से हैं स्थापित की गई हुई हैं, तो इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम सब लोग इनका आशीर्वाद लिए, जितने भी हैं छठी मैया सबका हम लोग पैर छुएं। और यहाँ पर मम्मी की एक दोस्त बन गई थी, ये आंटी जी हैं, मम्मी इनसे बढ़िया बात कर रही थी। और अब सब लोग वो कोसा लेकर अपने अपने घर पर जा रहे हैं, फिर वहाँ पर पूजा होगी इस तरीके से, सब अपने सर पर रख कर जाते हैं अपने घर, फिर वहाँ पर पूजा होती है। कल जाएंगे सुबह फिर से पूजा में, हम मम्मी कल सुबह जाएंगे और वहाँ पे कल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मम्मी को भी वो लोग मतलब कुछ ऐसे तिलक सिंदूर लगाती हैं, कल दिखाएंगे कल के ब्लॉग में। The next day 6:30 बज रहे हैं, हम दोनों हम मम्मी जा रहे हैं छठ पूजा में। निकल आए हैं सूरज भगवान जी, मम्मी और आंटी जी हैं, दोनों लोग छठ पूजा देख रही हैं। हाँ, सब खड़े हैं, ये सूरज निकल आए, सूरज भगवान जी, जय सूरज भगवान जी। यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है सूरज भगवान जी को। हाँ।
हल्दी लगाई जा रही है हाथों में और सिंदूर भी लगाया जाता है। अभी सब आंटी लोग मम्मी को भी लगाएंगी सिंदूर। हम मम्मी छठ पूजा से आ चुके हैं प्रसाद लेके, जो होता है ठेठुआ। ये है प्रसाद छठ का, ठेठुआ, सेब, केले और सिंघाड़े, संतरा। ये है प्रसाद। तो बोलो छठ माता की जय।